हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस पर पहली बार बोले आदित्य ठाकरे, कहा झूठे आरोप लगाकर घटिया राजनीति हो रही है, कीचड़ उछाली जा रही है, मेरा तो सुशांत केस से कोई कनेक्शन नहीं है। सुशांत सुसाइड केस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, सुशांत के पिता ने सीएम नीतीश से की थी अपील। एबीपी न्यूज से बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा मुंबई पुलिस जांच दबा रही है, सुशांत के साथ दिशा खुदकुशी केस जुड़ा है, जांच बहुत ऊपर तक जा सकती है। मुंबई में सांता क्रूज के पास बारिश में मकान गिरा, सैलाब ऐसा आया कि 3 लोग बह गए, 1 बच्चे की जान बचाई गई, 2 की मौत। मुंबई में भारी बारिश की वजह से मुंबई गुजरात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, बाल बाल बचे लोग, मलबे को हटाया गया। मुंबई में बीती रात से दिन तक बरसते रहे बादल, सुबह लोगों का जल जमाव से हुआ सामना, दिन में चर्च गेट से अंधेरी तक लोकल ट्रेन बाधित रही। मुंबई के बोरीवली में बारिश के बीच सड़क किनारे की जमीन ढह गई, यहां बिल्डिंग के निर्माण का काम चल रहा है। मुंबई में बारिश की वजह से मीठी नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई, बीएमसी ने एहतियातन नदी से सटे निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने का प्लान बनाया। मुंबई में जल जमाव के बीच पानी में घुसकर मंत्री आदित्य ठाकरे ने जायजा लिया, हिंदमाता में उस वक्त बीएमसी के कमिश्नर भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली में बारिश से बड़ी आफत आ गई, गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, सड़कों पर टूटी चट्टान का मलबा गिरा, बाल बाल बचे लोग। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर जारी, सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है, जान जोखिम में डालकर पानी में सड़क पार करते दिखे लोग। गोंडा में भी बाढ़ से बदहाली की तस्वीरें सामने आई है, घाघरा नदी के कहर से 50 से ज्यादा गांव डूब गए, घरों के अंदर पानी भर गया, पलायन कर रहे हैं लोग। असम में बाढ़ बारिश की वजह से लाखों लोगों पर संकट बरकरार है, यहां एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कई जगह सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। कल से कई राज्यों में जिम, फिटनेस सेंटर और योग संस्थान खुल जाएंगी, केंद्र सरकार ने सावधानियों के साथ खोलने की मंजूरी दी। देश में कल फिर कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए, 803 लोगों की जान भी गई, 18 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक देश में कोरोना संक्रमण हो चुका है। कल दिल्ली में कोरोना के 674 नए केस आए, अब दिल्ली में सिर्फ 10,000 कोरोना मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा के बाद अब यहां के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी कोरोना पॉजिटिव हुए, शिवमोगा में सिद्धारमैया के समर्थकों ने दुआ मांगी। पंजाब में जहरीली शराब मौत मामले में कांग्रेस के 2 सांसदों ने अपनी ही अमरिंदर सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले सांसदों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। पंजाब में कई जिलों में पिछले हफ्ते 100 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, लापरवाही के आरोपों पर सीएम अमरिंदर सिंह बोले दोषी नहीं बचेंगे। यूपी के पीलीभीत में पुलिस पर आरोप, मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए घायल को थाने में बुलाया, स्ट्रेचर पर लेकर पहुंचे परिवार वाले। यूपीएससी परीक्षा में हरियाणा के प्रदीप सिंह बने टॉपर, प्रदीप के पिता किसान हैं, जम्मू कश्मीर से इस बार 16 लोगों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है।